साधकों ने प्रश्न किया कि महाराज जी माताओं के हाथ में कितनी चूड़ियां होनी चाहिए और कौन से रंग की होनी चाहिए। आजकल एक कड़ा पहनने का फैशन चल पड़ा है, ये बहुत गलत बात है। एक कड़ा बस, एक कड़ा हाथ में एक चूड़ी, चूड़ी नहीं वो चूड़ी कहां होती, वो कड़ा होता है वो। मेरी भारत की संस्कृति ये नहीं सिखाती है, हैं? पहले तो अगर किसी घर में कोई शादी हो और काली साड़ी पहनकर माता चली जाती तो अपशकुन माना जाता था। बाल खुला रखकर और काली साड़ी पहनकर कौन चलती है, कौन चलती है? एक ट्रेंड चल गया, आप बाल खुले काली साड़ी रात का समय, अरे भगवान। तो भवंडर मच जाएगा। ये सुकुन शुभ नहीं माने जाते हैं शास्त्रों में, अब सुकुन माने जाते हैं। आप किसी के घर में काले कपड़े को पहनकर शादी में जाते हो तो उसके लिए अच्छा नहीं कर रहे हो आप, अब सुकुन है। और मेरा व्यास फिर से फर्ज बनता, मैं आपको बताऊं तो प्यारे सुनो, एक कड़ा कभी नहीं डालना चाहिए हाथ में। माताओं के दोनों हाथ में चूड़ियां होनी चाहिए। चूड़ियां तो सुहाग की निशानी है, सुहाग की जो माताएं अपने हाथ में चूड़ियां पहनती है उनका सुहाग वास्तव में बहुत दीर्घायु होता है। उनके घर में बहुत सारे संकट कट जाते हैं, बहुत सारे संकट आने से पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सुहाग की निशानियां पहन रखी है। उनका सुहाग दीर्घायु होता है, अमरता की ओर जाता है। उनके घर में किसी प्रकार की, महाराज जी आप उनके चक्कर छोड़ो, हमारा भी देखना पड़ता है ना, ये चूड़ियां सारे टक टक बजती ना, ना महाराज जी इतना ही कैसे है? नहीं, चूड़ियों के बारे में बताया गया है, अगर कोई सावड़ हुई हो ना, सावड़ घर में कोई सावड़ हो जाए तो जब तक माताएं चूड़ी नहीं बदलती है तब वो पूजा आगे नहीं बढ़ती है। इतना बड़ा विधान है, कितना बड़ा शास्त्र में विधान बताया गया प्रेमियों। और सुनो, बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद माताएं चूड़ी बदलती नहीं, चूड़ा पहनती है, ये शुभ संकेत है। आप देख लेना कभी भी जलवा पूजन करती है, आजकल तो धीरे धीरे प्रथाएं खत्म होती जा रही, लेकिन ये सच है। अब देखो, बच्चे का जन्म के समय, बच्चे के जन्म के बाद जब चूड़ियां पहनो तो हरी चूड़ी आपके हाथ में होनी चाहिए, ताकि बच्चे का जन्म हमेशा, जीवन हमेशा हरा भरा रहे। हरा हरी चूड़ियां उनके हाथ में, माताओं के हाथ में होनी चाहिए। और अगर आपके जीवन में आप नीली चूड़ी पहनते हो, नीली नीली चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, उसमें आपके जीवन में बहुत संयम रहेगा, बहुत शांति रहेगी, बहुत सुकून रहेगा, बहुत चैन रहेगा, जरूर पहननी चाहिए। लाल चूड़ी पहनते हो तो माता शौर्यशाली होती है, बड़ी तेजस्वी होती है। लाल चूड़ी जो माता पहनती है एकदम तेजस्वी रहती है, उनके परिवार में शौर्य बना रहता है, उनका घर में अच्छा रुतबा चलता है। और हरी चूड़ी पवित्रता की निशानी है, हरी चूड़ी पवित्रता की निशानी है, क्योंकि भैया एक शेठ जी ने राधा रानी को भी क्या अपनी बेटी बना रखा था ना, ये बरसाने की कहानी है। हाँ, और भगवान भी चूड़ी बेचने आए थे, मणिहारी का रूप बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। एक कड़ी गाय, मणिहारी का बेस बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का बेस बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, चूड़ी लाल नहीं बनो, चूड़ी हरी नहीं बनो, चूड़ी लाल नहीं बनो, चूड़ी हरी नहीं बनो, मुझे श्याम रंग का बेस बनाया।
इतनी छोटी होती, सस्ती होती तो कि श्याम बेचने के लिए जाते। कितनी अद्भुत है चूड़ी भैया। जो माताएं चूड़ी पहनती है उनकी खुद की भी उम्र बढ़ती है और उनके सुहाग की भी उम्र ही बढ़ती है। पांव में पायल, पांव में पायल होनी चाहिए और हाथ में चूड़ी होनी चाहिए और माथे पर सिंदूर होना चाहिए, माथे पर सिंदूर होना चाहिए, मांग में सिंदूर जरूर होना चाहिए। आजकल तो महाराज छोड़ो, लेकिन जैसा करोगे बोले शीश के दाने की जय हो। अब देखो कितनी चूड़ियों की संख्या बताई गई है, लिख लो। चूड़ियों की संख्या के विषय में बताया गया है कि भैया आपके बाएं हाथ में हमेशा विषम संख्या में चूड़ी होनी चाहिए, बाएं हाथ में, दायां हाथ और बायां हाथ, दाएं बाएं हाथ में हमेशा विषम संख्या में चूड़ी होनी चाहिए। विषम संख्या का मतलब 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 जो भी है विषम संख्या में वो चूड़ी होनी चाहिए, लिख लो भैया। और दाएं हाथ में हमेशा सम संख्या में चूड़ी होनी ही चाहिए, दाहिने हाथ में सुख सम संख्या और बाएं हाथ में विषम संख्या में चूड़ी पहनना, दाएं और बाएं हाथ में सम और विषम संख्या में, उल्टी कभी मत पहनना, उल्टी होने पर मामला फिर और उल्टा ही होता चला जाता है। और एक बात, हाथ में हमेशा मौली का धागा रखना, आपके हाथ में मौली होनी चाहिए। जब तक कन्या कुमारी है उसके राइट हाथ में मौली बांधना, शादी होने के बाद उसके लेफ्ट हाथ में मौली अपने आप बांधी जाती है, हमेशा राइट हाथ में। हाँ, हाथ में मौली, गले में कंठी और यहां तिलक जरूर। महाराज जी, यहां तिलक लगाने से क्या होता है मैं कहता हूं, लिख के ले लो आप चाहो तो। जिसके कितने भी बड़े राहु की दशा क्यों नहीं चल रही हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों न चल रही हो, अगर आप यहां चंदन का टीका या केसर लगाकर तिलक लगाना स्टार्ट कर दो, आपकी रेखाएं नहीं आपकी कुंडली की दशाएं बदल जाएगी। ये यहां क्या है, माताएं इसलिए तो बिंदी लगाती है, माताएं बिंदी इसीलिए तो लगाती है, ये आज्ञा चक्कर है, वो ये आज्ञा चक्कर है। यहां से ही पूरी जीवन सब कुछ, पहले देखते नहीं ऋषि मुनि ध्यान करते तो तेज कहां से निकलता था, आज्ञा चक्कर से भाव निकलता था, आज्ञा चक्कर से, ये आज्ञा चक्कर है। तो आप यहां बिंदी जरूर लगाएं, विषम संख्या में पहने। और कई बार चूड़ी अचानक टूट जाती है, कई बार अचानक काम करते हुए या कुछ गड़बड़, मतलब आप इधर उधर डोल रहे हो, ध्यान नहीं दिया, चूड़ी टूट जाए, तो उस समय श्याम बाबा को और महादेव को साक्षी मानकर कहना, हे प्रभु मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, मेरे और मेरे परिवार की, मेरे सुहाग की आप हमेशा रक्षा करें, रक्षा करे और रक्षा करे। ये भाव महादेव और श्याम बाबा से कहना।